गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल, योर फैमिलीज इज गुड एंड योर हेल्थ इज ऑल्सो गुड। आई एम योर साइंस टीचर एंड इट्स योर साइंस क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड टूडे वेल, यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट टूडे मोर। सो इट्स योर चैप्टर नंबर सिक्स एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर चैप्टर नंबर सिक्स क्वेश्चन आंसर। देर आर थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू नो दैट देर इज थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर बुक। वन इज़ वेरी शॉर्ट, सेकेंड वन इज शॉर्ट एंड थर्ड वन इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, सो वी हैड टू वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो वट जिन बच्चों के पास बुक है, दे शुड ओपन देयर बुक्स एंड ओपन योर क्वेश्चन आंसर्स एंड रीड क्वेश्चन फ्रॉम देयर। एंड दोज स्टूडेंट्स दो डोंट हैव बुक्स बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, दे कैन रीड द क्वेश्चन हेयर। ओके, सो वी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जाम्पल हार्ड ऑन हीटिंग एंड टू एग्जाम्पल सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, आपको ऐसे दो एग्जाम्पल देने हैं जो हीट करने पर हार्ड हो जाए और जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए। तो हार्ड ऑन हीटिंग इज ब्रेड वैन टोस्टेड। When you toast a bread, it become hard and crispy. So, hard on heating is bread when it's toast and king after baking. When you baked a cake, it's hard from its previous states. Previous, it's like cream, but after heating, after baking, it's become more solid. Okay? So, now soft on heating. If we are talking about the things, those are soft on heating. When we provide heat on them, they become soft. It's iron and aluminium. मतलब all the metals are come in these category. So you can write there iron, aluminium or whatever metal you want to write there. Okay? Now move on to question number 2. To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can we reverse it? जब आप किसी वाटर एरिया में जाते हो तो आप अपनी जो पैंट्स वगैरह होते हैं, आपके क्लोथ्स होते हैं, उसको फोल्ड कर लेते हो। क्या आप इस चेंज को वापस से ठीक कर सकते हो? सो द आंसर इज यस। यस ऑफ कोर्स यू कैन अनफोल्डिंग द ड्रेस बाय योर हैंड्स एंड इट्स गेन योर इट्स ओरिजिनल लेंथ बाय अगेन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 93, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सो आई राइट देयर पेज नंबर 93, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। से द क्वेश्चन नंबर 3 इज, इट्स ऑन पेज नंबर 93। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 93 इन योर बुक्स। सो क्वेश्चन, मूव ऑन टू पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर। सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। हमारे पास एक सीमेंट का बैग था जो कि गेट पे रखा हुआ था, जो रात को बारिश था, इससे क्या हुआ, गीला हो गया। द नेक्स्ट डे द सन शाइंस ब्राइटली, अगले दिन सूरज बहुत तेजी से चमका। डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट, जो क्या आप ये क्या आप आपको क्या लगता है कि जो चेंज हुआ है सीमेंट के अंदर, कैन बी रिवर्स, क्या उसको वापस ठीक कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, क्योंकि नो बिकॉज इट्स अ केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है, उसको आप वापस से उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो उसको गेन नहीं करा सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन अ चेंज डिस्क्राइबल एंड नॉन डिस्क्राइबल। यू हैव टू मेंशन एंड चेंज दोज आर डिस्क्राइबल, नहीं सॉरी डिजायरेबल। सो यू हैव टू मेंशन एंड चेंज दोज आर डिजायरेबल एंड मेंशन अ चेंज दोज आर नॉट डिजायरेबल। अ डिजायरेबल चेंज इज कुकिंग अ फूड, एवरी वन वॉन्ट्स टू ईट द फूड, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू नीड टू कुक दैट थिंग। ओके, सो कुकिंग अ फूड इज अ डिजायरेबल चेंज। इफ यू टॉकिंग अबाउट नॉन डिजायरेबल चेंज, देन इट्स अ अर्थक्वेक, एनी डिजास्टर, एनी नेचुरल डिजास्टर इज अ अनडिजायरेबल चेंज। No one in this world want any disaster in their life, so we can write there earthquake or whatever you want to write there, volcano, earthquake, flood, anything, but you write I write there earthquake, so you can write this as well as. Now we move on to question number 5.
एंड आर ऑल फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इफ नॉट गिव टू एग्जाम्पल फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल बट नॉट ऑल ऑफ देम सम चेंजेस सम फिजिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल सो द आंसर इज नो एग्जाम्पल इज ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन टू एडल्ट A child, when a child grows into adult, it can't be go back and again be a child. You can't be a child again in your whole life. You will be a man to after some time, and you will be a old man after a long time. But you cannot be a child again in your life. You were the shadow to my light. Already discussed about the example number one, growth of child into adult. Now the second example is breaking of glass. When you break a glass, it becomes into many pieces. You can't rearrange the pieces into a glass. It's not possible. So it's a irreversible change. Okay, but it's a physical change because it's changed its appearance. Now move on to question number six. What is question number six? This question is not in your books. It's a extra one. So the question is write example of change in color. Write example of change in color means you have to write example in your daily life those change in color with the time. Its answer is ripping of mango is the example of change in color. The color of raw mango is green, but with the time it's become yellow and ripped. So when a mango is ripping, its color changes green to yellow. So it's a example of change in color. Now move on to short question answer. The short question answer, question number one is, can the same change can be desirable or at one time and desirable at another? Explain with the help of two examples. आपको बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक चेंज डिज़ायरेबल भी हो और एक या तो उस टाइम तो वो डिज़ायरेबल हो लेकिन वो किसी और टाइम पे अनडिज़ायरेबल हो. ओके अगर कोई ऐसा एग्जांपल है तो उसका बताओ. तो इसका आएगा यस इट कैन बी पॉसिबल सम चेंजेस आर डिजायरेबल एट सम टाइम बट अनडिजायरेबल एट अदर टाइम. ठीक है, वी वांट द फायर टू लाइट अप व्हाइल कुकिंग फूड. हमको आग जलाने की जरूरत पड़ती है जब हम खाना बनाते हैं. तो वो क्या हुआ, देन इट्स अ डिजायरेबल चेंज. बट व्हेन द फायर इज बर्न्स आउट योर बिलोंगिंग वंस, मतलब जब आग आपके अपनों को जलाने लगती है तो वो क्या होता है, इट्स बिकम अनडिज़ायरेबल. सो मे फायर शुड बी डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बोथ विद डिफरेंट टाइम. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो द फिजिकल चेंज इज देर इज थ्री डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. नंबर वन इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. देर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन द physical change, but in chemical change there is a new substance form. Properties of the substance is not change in the physical change, but properties of the substance is change in the chemical change. It is a mostly irreversible. Mostly physical changes are irreversible, but mostly chemical changes are irreversible. So now move on to question number three. Why do we need to study change? Explain. So एवरीथिंग इन द यूनिवर्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. देखो जो भी कुछ भी हमारे यूनिवर्स में हो रहा है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ. तो अगर हमें यूनिवर्स की स्टडी करनी है तो हमें चेंज की भी स्टडी करनी होगी. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एक रोक जो होती है वो हमको एज अ सेम लगती रहती है कई सालों तक, लेकिन देखते रहते तो सेम लगती रहती है लेकिन कई सालों में हजारों सालों बाद वो क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है टूट टूट कर. तो इट्स अ चेंज बट इट्स अ स्लो चेंज. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज, गिव एग्जांपल. वैसे तो हम नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक को हम चैप्टर में बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. पीरियोडिक चेंज वे होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वापस होते रहते हैं, जबकि नॉन पीरियोडिक चेंज वे होते हैं जो रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं होते. जैसे पीरियोडिक चेंज में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, रात और दिन का बनना, ये तो हुआ पीरियोडिक चेंज इसका एग्जाम्पल. और नॉन पीरियोडिक चेंज का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे फ्लड का आना, अर्थक्वेक का आना, इट्स अ नॉन पीरियोडिक चेंज. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव, मेंशन द वेरियस इफेक्ट विद इन अ चेंज कैन प्रोसेस प्रोड्यूस. देखो एक चेंज से बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं. सम ऑफ द इफेक्ट्स आर गिवन ब्लो, ठीक ब्लो. तो नंबर एक है रिपिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम रोम. ठीक है, मतलब
फलों का अपने कच्चे से पक जाना भी एक चेंज है, इफेक्ट का चेंज है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर का आना भी एक चेंज है, और जीना और बड़ा होना भी एक चेंज है, लिविंग एंड ग्रोइंग और ऑल्सो इफेक्ट ऑफ चेंज। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन अ स्मॉलर आयरन रिम बी फिटेड इन अ लार्जर वुडन व्हील, ठीक है। ए स्मॉलर आयरन रिम इज बी फिटेड ऑन अ लार्जर वुडन व्हील बाय हीटिंग द आयरन रिम। क्यों, कैसे फिट हो सकती है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे स्मॉलर आयरन रिम को, तो वो एक्सपेंड होगी तो वो वुडन में पूरी तरह फिट हो जाएगी, ओके। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताना है वो कौन कौन से इफेक्ट है हीटिंग के और कूलिंग के जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर होते हैं। देखो, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंड होने लगता है वो। जिस ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है हम उसको बोलते हैं कि एक्सपेंड हो रहा है, और इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होना लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। नाउ योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट, नाउ मूव ऑन टू योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी इन विच वी कैन क्लासीफाई चेंज, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। देयर आर 6 टाइप ऑफ चेंज, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वन इज चेंज इन कलर, ठीक। सेकेंड वन इज चेंज इन साइज, थर्ड वन इज चेंज इन शेप, फोर्थ वन इज चेंज इन पोजिशन, फिफ्थ वन इज चेंज इन फिजिकल स्टेट, सिक्स्थ वन इज चेंज इन हार्डनेस, ओके। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट हिट कैन चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर 88, ओके, एक्टिविटी 5 विद डायग्राम। यू नीड टू ओपन योर पेज नंबर 88 इन योर बुक एंड देर इज ए एक्टिविटी, इट्स अ एक्टिविटी 5 विद अ डायग्राम। यू नीड टू ड्रॉ दैट डायग्राम इन योर नोटबुक विद ऑल द थिंग्स दोज आर रिटन इन द एक्टिविटी। यू हैव टू रिटन दिस ऑल थिंग्स इन योर नोटबुक एज वेल, ओके। जो पेज नंबर 88 पे है आपकी एक्टिविटी 5, उसमें एक डायग्राम है, आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन के आंसर में, और उस एक्टिविटी में जो भी लिखा हुआ है वो सब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है। सो इट्स योर इलेबरेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर। You need to write these question answer in your notebook and remember these all question and answer as well as. So today's class, it's for today's class. I hope you understand. Thank you so much for today's class.